फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ यास्मीन और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मार्केट से भी अच्छे फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी, जो कि 5 मिनट में बनके रेडी हो जाएंगे। ना हमको आलू को बॉईल करना है ना सुखाना है, बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्लीज़ हमेशा की तरह वीडियो को एंड तक देखें, रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो पता है ना आपको क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दे, जिससे आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए हमें यहाँ बड़े वाले आलू की ज़रूरत है, जिसके लिए मैंने 2 बड़े आलू ली हूँ, जिसका हम छिलका अच्छे से रिमूव कर लेंगे और इसे इस तरीके से हमें कट करना है। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, उसी तरीके से मैंने आलू को 3 भाग में कट की हूँ। आप भी इसी तरीके से आपके आलू का साइज जैसा हो उस हिसाब से कट कीजिएगा, और इसे बीच में से ऐसा कट करते जाइए, फ्रेंच फ्राइज की साइज जैसी होती है उसी तरीके से। ये देखिए कितना सिंपल और इजी तरीके से कट हो रहा है, और बिल्कुल बाहर वाले फ्रेंच फ्राइज की तरह ही लग रहे हैं ना, ये बहुत ही सिंपल है, आसानी से कट हो जाते हैं। इस तरीके से हम सभी आलू को कट करके रख लेंगे। यहाँ हमने सभी फ्राइज को अच्छे से कट कर लिया है। अब हम एक टावल लेंगे, किचन टावल, उसमें फ्रेंच फ्राइज को रख के साइड में रख देंगे। तब तक मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ली हूँ, मकई का आटा, उसमें नमक ऐड करेंगे 1/2 छोटा चम्मच, थोड़ा सा ओरिगेनो ऐड करेंगे, अगर आपके पास ओरिगेनो है तो ऐड करें, नहीं है तो स्किप कर सकते हो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। किचन टावल में रखे हुए आलू को निकाल लेंगे, और ये जो फ्लावर में हमने मिक्स करके रखा है मसाला, उसमें हमारे जो आलू है उसमें डिप करते जाएंगे, और जो भी एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर रहेगा उसी में इस तरीके से उसे झटकते जाएंगे, एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं रखना है। अब इन्हें हमें फ्राई करना है, जिसके लिए मैंने पहले से ऑयल को अच्छा गर्म कर ली हूँ। अब एक एक करके सभी फ्राइज को हम इसमें ऐड कर देंगे। स्टार्टिंग के 10-20 सेकेंड के लिए हम इसे स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, उसके बाद इसे हमें 2-3 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर फ्राई करना है, जिससे इसका कलर भी चेंज नहीं होगा और ये अंदर तक अच्छे से कुक्ड भी हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट में फ्राई होकर रेडी हो जाते हैं, और ये हमारे फ्राइज बिल्कुल रेडी है। देखिए इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ है, लग रहे बिल्कुल मार्केट जैसे ना। अब इन्हें हम तेल लिथाते हुए अच्छे से निकाल लेंगे और पेपर टॉवल पर रख देंगे, जिससे जो भी एक्स्ट्रा ऑयल रहेगा पेपर टॉवल एब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरीके से हम सभी फ्राइज को फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने दूसरा बैच भी इसमें ऐड कर दी हूँ। अब हम अपने फ्राइज में कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जिसमें मैंने नमक ऐड की थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड की हूँ। उसके बाद इसे हम इस तरीके से टॉस कर लेंगे, जिससे जो भी हमारे मसाले हैं वो आलू पे अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। मैं आपको एक फ्राइज चेक करके भी बता देती हूँ, क्योंकि हमने इसे बॉयल नहीं किया है तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये कच्ची, बिल्कुल नहीं। ये देखिए ये कितनी अच्छी तरीके से अंदर तक कुक्ड हो चुकी है, और ये हमारी गर्मा गर्म फ्राइज बिल्कुल रेडी है। तो प्लीज़ आप भी ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।